दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम जा रहे हैं अफतारी में यूसुफ भाई के यहाँ पर, अमीन साहब के यहाँ, और एक नौशाद भाई के यहाँ पर भी अफतारी है। दो दो जगह अफतारी है भाई। यूसुफ भाई का घर है सामने और इनके मेहमान वगैरह आए हैं इतने। ये है जी, रोड पे बाइक्स ही बाइक्स लगी हुई हैं, सभी हजरात अंदर हैं, हम भी चलते हैं। भाइयों, हम पहुंच गए हैं यूसुफ भाई के घर पर। हो गया भैया, हो गया, कर लो काम। ये कौन सा हुआ पहले पानी, पहले कौन सा हुआ। ये यूसुफ भाई का घर है भाई। इनके घर भी इन्होंने माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा लगा रखा। किसी दिन फुर्सत में आकर के बनाएंगे इनकी वीडियो यहाँ आकर के। बच्चे अफतार कर रहे हैं अंदर, कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ ऊपर हैं, ठीक है। एक अफतार की दावत भाई नौशाद के यहाँ पर भी है, और वहीं पर चल रहे हैं, ठीक है, वहां चल के दिखाते हैं। इधर नौशाद भाई का घर है, हम बिल्कुल उनके घर के बाहर पहुंच गए। वाला स्कूल मेरे ख्याल में इसका नाम है, इकरा पब्लिक स्कूल। तो नौशाद भाई की अफतारी का इंतजाम यहाँ पर है। ये नौशाद भाई के यहाँ पर अफतारी चल रही है। मैं अभी वहीं से आकर के सीधा आपके यहाँ पर आ गया हूँ। नौशाद भाई ये खड़े हुए माशाल्लाह, मेहनत कर रहे हैं बेचारे खुद ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रात को सिलाई का काम करते हैं, और इन्होंने इतना बिजी होने के बावजूद भी सवाब की नीयत से इफ्तारी रखी हुई है अपने यहाँ पर। शफात भाई पड़ोस की दावत छोड़ के यहाँ पर आए हैं। ये बस ताल्लुकात की बात होती है भाई साहब, कुछ बातें होती हैं अंदर खाने। ये हमारे तारिक भाई हैं, मेंबर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही समझो इन्हें। भाई ने अफतारी रखी है। ये मोहम्मद अहमद इनका बेटा है, और इसने पहला रोज़ा रखा है। तो हमारे यहाँ अक्सर माहौल में यही होता है, अगर छोटा बच्चा कोई रोज़ा वगैरह रखता है तो अफतारी या कोई भी किसी भी तरीके की दावत का मामला, ये है चीज भाई साहब। Fascinating places, taste delicious foods, and meet incredible people from around the world. From bustling city streets to serene natural landscapes, every vlog will transport you to a different world. Get ready to laugh, learn, and be inspired as we embark on this incredible journey together. So, and hit that notification bell. Don't forget to subscribe so you never miss a single vlog from Qasim Ki Duniya. Let's go on this amazing adventure together. Shukriya.